कोणार्क मंदिर बुलिले, कारुकार्य देखि विमोहित मध्य हेले। कोणार्करु उद्धार करा जाइथिबा लुहा बीम कलंकी न लागिबार कारण भी खोजिले। एनेई दायित्वरे थिबा प्रत्नतत्व विभाग को पत्र लेखि यार अनुधान हेबो बोली मध्य कहिले। कड़ा सुरक्षा बलय भितरे अर्क क्षेत्र कोणार्क सूर्य मंदिर रे पहुंचिथिले केन्द्र मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मंदिर कोण अनुकोण बुली देखिबा परे नजर आसीथिला मंदिर रु उद्धार करा जाइथिबा लुहा बीम उपरे। बाहरे थाई कोण पाई कलंकी लागो नाही कि नष्ट हेउ नाही एहार गवेषणा आवश्यकता रहिछि बोली मध्य कहिथिले। एहा परे इको रिट्रीट रे विभिन्न राज्यरु आसीथिबा प्रतिनिधि मानक सहित 2030 पई प्रस्तुत करा जाइथिला खसडा। विशेष करि 2030 मसीहारे 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन पाई आशा रखा जाइथिबा बेले एहाकु किभळे सुफल करा जिवो सेनै करा जाइथिला विशेष आलोचना। देखिए आज का जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस है, देखिए कॉन्फ्रेंस का बेसिक जो पर्पस ये है कि आप जानते हैं कि ये हमारे देश में ये जो लोहा है जिसको स्टील बोलते हैं उसके लिए आपको बहुत सारे चीज़ों का रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, आयरन ओर की आवश्यकता पड़ती है, डोलोमाइट की आवश्यकता पड़ती है और भी चीज़ें हैं। कई कई राज्यों में है वो और कई कई स्टेट्स में मिल्स लगे हुए हैं, कहीं जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगा हुआ है, कहीं सेकेंडरी स्टील के हैं। तो राज्य का और केंद्र के बीच अच्छे सब संबंध रहें और जहाँ जहाँ इशूज हैं उसमें हमारा बेहतर समन्वय हो। अब मतलब कहीं लैंड का इशू हो सकता है, आप जानते हैं लैंड राज्य सरकार का होता है, कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस का रहता है वही राज्य सरकार का भी होता है, फिर केंद्र सरकार का भी रहता है। तो हम लोग सब मिलकर करके इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी कि इस तरह के सम्मेलन हमको दिल्ली से बाहर करना चाहिए और राज्य में के लोग जितने भी हमारे लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और वहाँ हम लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए कि आगे आने वाले समय, आप जानते हैं कि 2030 तक हम लोगों का लक्ष्य है कि 300 मिलियन टन हमारा स्टील का उत्पादन हो। अभी हमारे सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि 2047 जब हमारा एक साल हो जाएगा हमारा ये देश को आज़ाद हुए, 500 मिलियन टन हमारा जो है स्टील बनाने का लक्ष्य हो सकता है। राज्य और केंद्र मध्यरे भल संपर्क रहिब किभळी आग को बढ़ी काम करि हेबो से नै गुरुत्व दिया जाइथिला। विशेष करि जमी जुमा समस्या सहित जंगक जमी समस्या किभळी स्टील उत्पादन रे समस्या न आसिब एने करा जाइथिला आलोचना। स्टील उत्पादन रे देश 2 नंबर रे थिला बेले किभळी एहा को 1 नंबर करा जिवो से नै होइथिला खसडा प्रस्तुत। दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 2 पर है, तो भाई हम लोग तो हर एक चीज में नंबर 1 होना चाहते हैं ना। जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो हम लोग हर एक चीज में अच्छा हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कब होगी जब हमारे पास इतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसमें स्टील सबसे इंपॉर्टेंट है और स्टील का यूसेज देखिए आप कितना बढ़ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए सब जगह स्टील की आवश्यकता है। सेपटे यही कार्यक्रम विभिन्न राज्यर विभागीय मंत्री और अधिकारी माने जोग देइथिबा बेले स्टील उत्पादन वृद्धि करिबा पाई आलोचना करेजिबा सहित देशर आर्थिक स्थिति किभलि मजबूत होई पारिबो से नै विशेष आलोचना करा जाइथिबा बेले कहिछन्दि मध्यप्रदेश इस्पात मंत्री राजवर्धन सिंह। अन्यपटे विभिन्न राज्यर आसीथिबा अतिथि और केन्द्र मंत्री को कोणार्क मंदिर जीवंत छवि संपर्क में अवगत कराई बेस खुशी व्यक्त करिछन्दि टूरिस्ट गाइड। मंदिर उद्धार करा जाइथिबा स्टील कलंकी न लागिबार कारण मंत्री अनुध्यान करथिबारु निश्चित भावरे एहा आगामी दिनरे कोणार्कर विकास दिगरे सहायक हेबो बोली आशा रखिछन्दि। एनेई केन्द्र इस्पात मंत्री को अध्यक्षता रे आयोजित होइथिला गोटे बैठक। एही बैठक रे
विभिन्न राज्य मंत्री और अधिकारी माने जोग दे स्टील उत्पादन में भारत को एक नंबर करिबा पाई नेले संकल्प। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि ना सिर्फ मोदी जी का जो विजन आत्मनिर्भर भारत का था उसको इस्पात मंत्री जी क्रियाशील होके उसको उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोणार्क में हम आए तो कोणार्क में हम लोगों ने पर्यटन की दृष्टि से, हमारे इतिहास की दृष्टि से, पुरातन व्यवस्थाओं की दृष्टि से और संस्कृति की दृष्टि से ये देखा और समझा कि उस ज़माने में अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, उस ज़माने में लोगों ने कैसे अपना जीवन यापन करके देश को आगे बढ़ाया। मो नाम विश्वेश्वर दास, मु पर्यटन विभाग स्वीकृतिप्राप्त गाइड। अनबर अनरेबल मिनिस्टर रामचंद्र प्रसाद सिंह अनरेबल मिनिस्टर स्टिल कोणार्क मंदिर विजिट कले। पर्यटन विभाग तरफ मते सहित जीवापी और किसी मंदिर विषय धारणा व्याख्या करने सुजोग दि जाइला एवं भिजि माने तांकर भ्रमण बहुत सुंदर रहिला। टिकनिक भाव से मंदिर विषय जानपारे एवं से अति विमोहित हो गले मंदिर सूक्ष्म कारुकार्य देखिकी एवं विशेषकर सेत सब 800 वर्ष तले कि प्रकार लुहा बनिया जाऊला जहाँ कि 800 वर्ष पर भी कलंक लगू ना एवं से कि प्रकार टेक्निक ऑनरेबल मिनिस्टर सांगे सांगे सेठी एसआई की कहले या उपर स्टडी होगा दरकार। गोब्रू जयंत कुमार सटीक रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।